नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी गई है। सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह पर नजदीक से गोली चलाई गई है। गंभीर हालत में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पूरे उदयपुर में हड़कंप मच गया है। प्रदेश अध्यक्ष पर गोली चलाने वाले आरोपी दिग्विजय को लोगों ने पकड़कर पहले धुनाई भी की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर गोली चलाने के पीछे आरोपी दिग्विजय के बीच आपसी रंजिश बताई जा रही है। ये गोली उस समय मारी गई है जब उदयपुर के बीएन संस्थान परिसर में राजपूत करणी सेना की बैठक चल रही थी। उदयपुर में रविवार को करणी सेना की बैठक आयोजित थी। इसी दौरान दिग्विजय नाम के युवक ने सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह पर फायरिंग कर दी है। गोली लगते ही भंवर सिंह जमीन पर गिर गए। पूरी बैठक में अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनते ही लोग भी डर गए हैं और आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान बैठक में मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। लोगों ने पहले तो आरोपी की जमकर पिटाई की है, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। उदयपुर में राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारी गई है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारी दोस्तों संख्या में इनके समर्थक अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है।